नमस्कार, स्वागत है आप लोग का ATN लाइव पे। तो आज हमारी टीम सिवान के बाद गोरियाकोठी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 34 में पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि भावी जिला पार्षद हनीफ जी हमारे साथ मौजूद हैं और शुरू से ही लगातार लोगों के बीच रहे हैं, समाज सेवा करते रहे हैं। तो इस बार भावी जिला पार्षद से इस बार उम्मीदवार हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, कितना इनसे पहले जो 5 साल जो कार्यकाल संभाला गया है वो कितना विकास का काम हुआ है और क्यों इस बार ये जिला पार्षद ही चुने। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपका मीडिया का मेरे तरफ से स्वागत है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। आपसे बता दें कि मैं 2016 में वार्ड सदस्य इस गोरियाकोठी प्रखंड के अंदर बिंदवल पंचायत में जीते थे। उसके बाद मैं बिहार का वार्ड महासंघ बिहार का कार्यकारिणी अध्यक्ष बने और जिला अध्यक्ष सिवान का बने। जो भी मेरे कार्य के मैंने पोस्ट के अंदर जो भी कार्यकलाप के लिए मेरे विकास के लिए जो भी मिला कि आप विकास करो, उतना मैं सफल हुए। और हमारे वार्ड का जनता यानी हमारे पंचायत के या प्रखंड के जनता का ये बहुत शौक जगा कि ये विकास करने वाला लड़का है, इसको सहयोग दिया जाए कि आगे बढ़े। एक बात जान लीजिए कि जो भी नेता हो, चाहे निचले स्तर से हो या बड़े स्तर से हो, जैसे अपने माता पिता को वो स्वागत करता है, इज्जत करता है, तो जनता जो क्षेत्र का होता है पब्लिक, वो माता पिता होता है, वो घर का एक सदस्य और पलवार होता है। अपने जीतने के बाद हमारे यहाँ पूर्व में जो भी थे जिला परिषद, मैं किसी को नाम लेने नहीं जा रहा हूँ, कि आज उनका कार्यकलाप से इतना हमारे क्षेत्र का जनता नाराज है जो आज उनको देखने के भी नहीं चाह रहा है। कोई भी है अपने जनता से अगर धोखाधड़ी करता है अपने साता के अंदर, समझिए अपने माँ बाप और पलवार से करता है। जी। तो आज मैं अपने नामांकन के लिए महाराजगंज आपके साथ निकला हूँ और मेरे ऊपर मेरे क्षेत्र का जनता का दुआ है, मदद है और सब यही चाह रहे हैं कि हनीफ जिला परिषद जीत कर आए और जिला में पार्षद बन के आए। और हमारे यहाँ जो भी कार्यकलाप नहीं हुआ है अभी तक, हमारे यहाँ के पब्लिकों से खिलवाड़ हुआ है। विकास के नाम पर एक पर्ची छपवा कर बांट रहा है जो पहले थे कि मैं ये किए हूँ वो क्यों हूँ। मैं कहूँगा कि आज नॉमिनेशन कराने के बाद 2-4 रोज हमारे क्षेत्र के अंदर टाइम दीजिए, मैं दिखा दूँगा कि जिला परिषद जो भी पार्षद थे हमारे क्षेत्र संख्या 34 में न कोई काम किया है न ही कोई विकास किया है, इसलिए जनता आज हमको चुन चुका है। नामांकन कराने जा रहे हैं, जिला पार्षद ही क्यों चुने आप? मैं नहीं चुना जी। मेरे क्षेत्र का जनता चुने, सबसे पहले मेरा वार्ड का यानी मेरे पंचायत के या प्रखंड का जो भी जनता है, उन्होंने हमको विचार दिया कि आप वार्ड सदस्य का लड़ाई लड़के बिहार के अंदर कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने सिवान का, तो जिला का तो नाम आपने बढ़ाया, इसलिए इस पोस्ट को छोड़कर आप जिला परिषद प्रत्याशी का नामांकन कराइए और पार्षद बनिए। इसलिए कि जिला परिषद से आज तक जो भी पार्षद रहा है क्षेत्र संख्या 34 में, कोई विकास नहीं किया है। आप धरातल पर उतरे हमारे साथ और खुद ही देख ले कि कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे में क्या नहीं हुआ है विकास? देखिए, मैं अभी एक पर्ची पढ़ा था, हमारे जो भी पूर्व में पार्षद थे कि यहाँ शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनवा दिया है, यहाँ रोड बनवा दिया है, यहाँ गली बनवा दिया है, नली बनवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, और देखिए काम तो अलग है, हमारे यहाँ जो भी पूर्व में पार्षद थे वो अपने पब्लिकों से यानी अपने माँ बाप भाई पलवार, पब्लिक क्या है, पब्लिक किसी को गुलाम नहीं होता है, पब्लिक जिसे चाहे उठाकर फेंक देगा, जिसे चाहे ताज पर बिठा देगा, तो अपने पलवार के लोग है पब्लिक, अपने माँ बाप है, तो उनसे मिले भी तक नहीं आज तक प्रत्याशी। चलिए, अगर इस बार आपको जनता अगर चुनकर सदन में भेजने का काम करती है तो क्या मैनिफेस्टो क्या है आपका? मेरा मैनिफेस्टो देखिए, जो लोग भी काम पब्लिक के द्वारा ये लोग नहीं किया है मैं उसे करूंगा। मैं अपने क्षेत्र के पब्लिक से एक पलवार हूं और पलवार जैसा जुट कर माँ बाप भाई बहन समझ के रातों दिन उनका दुख सुख में लगा रहूँगा, ये आपसे वादा करता हूँ। मेरा चैलेंज है इस पर कि मैं उनसे 24 घंटा जुटने के पूरा तमन्ना रखता हूँ और जुट के रखूँगा। चलिए, क्षेत्र संख्या 34 में कितना पंचायत है? 6 संख्या 34 में हमारा पंचायत है 8 पंचायत जी। चलो, आठों पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आठों पंचायत का लगभग जनता जो है 56,000 कुछ वोटर हैं जी। मैं सबसे यही अपील करूंगा
कि आपके अंदर आपके बीच जो भी प्रत्याशी आपका सेवा के लिए तैयार है, जो आपका हर दुख सुख में एक आवाज़ पर चले आए, उसे आप पार्षद बनाकर अपने बीच रखने कृपया किया जाए। चलिए, हर साल जब भी चुनाव आता है हर प्रत्याशी दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम जीतेंगे तो हम जनता के बीच रहेंगे। जनता आप पे कैसे विश्वास कर ले कि आप जनता के बीच जी रहेंगे? जी, बहुत अच्छे सवाल किए हैं आप। मैं शायद भूल गया, चंदन जी नाम है आपका? नहीं, अच्छा, समीर नाम है। समीर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अच्छे सवाल किया। मैं एक वार्ड का अध्यक्ष बनकर प्रखंड के अंदर बराबर अपना ड्यूटी देते थे, जाते थे, कहीं के भी क्षेत्र का ये नहीं पूछते थे कि वो हितिमपुर के हैं या चाँचोपाली के हैं, वो 33 के या 35 के, मुझे उससे मकसद नहीं था, उसका नाम क्या है वो भी मकसद नहीं था। परेशानी देखते थे कि भाई अब क्यों परेशान है, अब तो एक काम है, प्रखंड पर दौड़ रहा हूँ, लाइए चलिए हमारे साथ। मैं अपना गुहार BDO साहब से लगाते थे, CO साहब से लगाते थे, उनका काम को सफल बनाकर उनसे हाथ जोड़कर बोलते थे कि कोई और सेवा है तो हमारे लिए आप बोलिएगा, हम तैयार हैं। इसलिए मैं सोचा कि आज 34 जो क्षेत्र संख्या लोग बिगाड़ रखा है, जिला परिषद बहुरुपिया के रूप में वोट मांगकर जिला परिषद बन गए जी। और विकास कौन करेगा? पब्लिक से चेहरा भी दिखाने के लिए वो लोग 5 साल फरार रहते हैं जी। लेकिन मैं वादा फिर कर रहा हूँ आपसे कि जैसे मैं 5 साल लोगों के बीच में थे, कहीं से आवाज़ उठता था जाते थे, 5 साल नहीं जिंदगी भर ऐसा निभाते रहूँगा, पोस्ट पर रहूँ या न रहूँ। चलिए, हम तो कई जगह गए, जब हम गए घूमे, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो कई जगहों से पता चला कि जो जिला पार्षद रहते हैं उम्मीदवार तो हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है सरकार की योजनाएं क्या है। जी, ऐसे उम्मीदवारों के लिए क्या कहिएगा? आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं कि किन किन योजनाओं पे कैसे काम होता है? जी, तो जी, ये बता, सबसे पहले जिला पार्षद में जो पार्षद बन के जाता है वो अपने क्षेत्र के, आंधा तो कोई आता नहीं है कि मतिया बीन के चश्मा लगा के घूमा 5 साल, उसको ऊपर वाले ने आंख दिया है तो देखा होता है कि किसी गांव में पेंशन से लोग वंचित है, राशन कार्ड से लोग वंचित है, विधवा पेंशन से वंचित है, तो उसको कम से कम अपने जाते मीटिंग में जब चेयरमैन साहब, DM साहब, सब DDC सर, पंचायत राज पदाधिकारी सब वहां बैठते हैं, उनके मीटिंग में आप जाते हैं तो ये कागज लेख क्या हमारे जिलाधिकारी नहीं करते हैं? लेकिन उनसे मांग होना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं करते, मांग होना चाहिए उनको। योजना पता नहीं है कैसा योजना पे काम करना है। एक दूसरा हो गया, आप देखें एक पेपर है हमारे पास, अभी उपलब्ध नहीं है, दिखा देंगे। सामुदायिक शौचालय पुरंदरपुर, बिंदवल, मुस्तफाबाद कहाँ कहाँ बनवा दिए। सबसे मेन मुद्दा है पब्लिक को आवाज उठा देना, पब्लिकों को अधिकारियों, जिला अधिकारियों तक पहुँचा देना कि पब्लिक को क्षेत्र में ये तकलीफ है, आप पहुँचा नहीं पाते। क्यों नहीं पहुँचा पाते हैं? कि आपका बोलने के अंदर क्षमता नहीं है। आप जिला पर एक वार्ड सदस्य 2016 में जीत के इतना आवाज उठा सकता है तो क्या जिला में एक पर्षद नहीं उठा सकता है? जब एक वार्ड सदस्य होकर विधानसभा तक पहुंच सकता है तो एक सीमांत तक नहीं पहुंच सकता है जिला पर्षद? पहुंच सकता है ना। योजना बहुत है, योजना की कमी नहीं है, रोड बनवाइए ना बनवाइए ये पब्लिक फैसला कर देगी 5 साल में, शौचालय बनवाइए ना बनवाइए समुदायक लिख दीजिए ये 5 साल आ गया पब्लिक फैसला कर देगी। लेकिन कोई मान लीजिए कि किसी गांव में इस कोरोना के महामारी में लोग मर रहे थे, क्या हमारा जिला परिषद भी जो पार्षद थे वो भी गायब थे? वो भी तो वर्तमान थे, उनका भी अपने क्षेत्र में देखना चाहिए किस पब्लिक का दुख सुख है। अरे अगर सरकार की योजना है, लाभ है तो हमारे BDO से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलते, जिला अधिकारी से मिलते, उसमें गरीब को सहयोग मिल जाता। बहुत साफ सर्वे कर लीजिए, आवाज़ उठाने वाला कोई पार्षद में ऐसा नहीं है कि जो गरीब इंदिरा आवास से वंचित है उसका आवाज़ उठा दिया जाए, जो पेंशन से वंचित है, विधवा, एक जवान जवान विधवा, छोटे छोटे बच्चे लेकर अभी वंचित है, उसका आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है किसी गांव। अच्छे बताइए, अभी जो पानी, जो जल जमाव लगा था, कहीं गांव के गांव में साफ है, गांव के गांव में साफ है, धान के धाने साफ है, क्या आप इससे पहले भी नहीं थे? हिंदुस्तान में थे, सिवान में थे, गोरियाकोटी प्रखंड में थे, पार्षद थे, तो क्या हमारा जिला अधिकारी को लिख नहीं दे सकते थे कि सर ये पुल जाम है, इसे साफ कराया जाए कि किसानों के जो आने वाला फसल क्षति ना हो पाए? जी, ऐसा तो आप नामांकन कराने जा रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि अगर जनता आपको चुनती है तो आप जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं आप करिएगा उसको? मैं जिंदा रहूँगा तो इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, और जनता चुनेगी नहीं, जनता मुझे चुन चुकी है, ये आपका जनता का आशीर्वाद है। मैं जनता का बेटा बनकर आऊँ, भाई बनकर आऊँ और रहने का चैलेंज करता, जब तक जिंदा रहूँगा इस पद पे रहूँ या ना रहूँ,
जनता का बेटा ही बनकर रहूँगा, भाई बनकर रहूँगा, हर दुख सुख में उनका साथ रहूँगा। और मैं अपने जनता से पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रखंड के अंदर मैं एक चैलेंज करता हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, रात और बिरात 24 घंटे में मेरा मोबाइल खुला रहता है, रात बिरात मत देखना। अगर हनीफ का सहयोग पड़ना पड़ेगा आप लोगों को तो एक कॉल करना, दोबारा करने को मैं चैलेंज करता हूँ, मौका नहीं दूंगा और वहाँ अकेले पहुँचूंगा। देखिए मैं ये भी सुना हूँ क्षेत्र के अंदर कि अगर पार्षद जो बना है उसके पास कोई गरीब मिलने जाता है तो कहते मेरे पीओ से मिल लो, इतना बड़े प्रधानमंत्री हो गए तुम्हारे पीओ से मिल लो। कल वोट मांग रहे हैं हाथ जोड़कर कि भैया वोट देना, आज करो चाचा प्रणाम हमको करो, बाप बेटा को प्रणाम करने लगे तो दुनिया ही पलट जाएगा। आज क्षेत्र में अगर किसी को चाचा कह रहे हैं तो चाचा ही कहेंगे, कल भैया कह रहे हैं तो भैया कह रहे हैं, आज सम्मान दे रहे हैं उतने, जिंदा रहेंगे सम्मान देंगे उतने। चलिए हमारे साथ हनीफ जी, तो देख सकते हैं इनके साथ समर्थक भी हैं, भीड़ काफ़ी लगी हुई है। अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जो भीड़ है, ये जो समर्थक हैं, वोट में तब्दील होते हैं कि नहीं। आइए हम थोड़ा कुछ लोगों से भी बात करने का कोशिश करते हैं, दो चार लोगों से बात करेंगे। थोड़ा आइए आगे, थोड़ा आइए। आज नामांकन कराने जा रहे हैं हनीफ जी, क्या लग रहा है अब जनता इनको बदलाव के मूड में है या क्या होने जा रहा है पंचायत में? हेलो, सबसे पहले मैं ATN न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छा है। मैं तो नामांकन कराने जा रहे हैं, लेकिन जो 2001 के बाद जो पंचायती राज बना है उसके अंदर ये पहला प्रत्याशी है जो जनता का सेवा करेगा। जीतने के बाद जितने मैंने आज से 20 साल पहले देखा पार्षदों को, तो मैं नाम तक नहीं जानता हूँ यहाँ के कौन पार्षद है या क्या है। काफ़ी जगहों पे देखा गया कि पार्षद का नाम तक लोग नहीं जानते हैं। हाँ, यही है कि मैंने आज तक 20 साल में 4 प्रत्याशी हुए, मैं किसी का नाम तक नहीं जाना कि आज तक कौन है गोरिया कोठी 34 के जिला पार्षद। लेकिन आज मैंने नामांकन कराने जा रहे हैं, मैं वैसे ही चाहूँगा जैसे अब नहीं हुआ है, जो यहाँ के जनता जैसे हमें सपोर्ट करेगी। हनीफ जी पे आप लोग कितना विश्वास करते हैं? अगर आप लोग चुनते हैं हनीफ जी को तो कितना पंचायत में आपके जो क्षेत्र संख्या 34 है, कितना विकास का काम करेंगे? विकास के काम तो यहाँ के जनता ही बता देगी इनको कि कितना। तो जनता ही है ना? मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ के जनता इन्हें वार्ड के रूप में देख लिया है और गोरिया कोठी प्रखंड के वार्ड का एक कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष का वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन इसके अंतर्गत अगर ये जीत कर आएंगे, हमारा जीत निश्चित है, अगर जनता जैसे चाहेगी मैं उसका वैसे यूज करेंगे। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम MD सुभाष। चलिए सुभाष जी तिरंगा लेकर निकले हुए हैं आज नामांकन में, थोड़ा सा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलेश दुबे है। तो आज नामांकन कराने निकले हुए हैं और काफ़ी भीड़ भी देखा जा रहा है आज, जी। क्या लग रहा है? ये भीड़ नहीं, ये बदलाव है और जनता जो है अब बदलाव के मूड में है। और हनीफ भैया को पूरे दिल से, पूरे पंचायत जितने भी 8 पंचायत है ना, सारे लोगों का समर्थन है और बस ये इनके सर पे पगड़ी आज ही समझो कि बना गया जी। आज ही इनका नामांकन होगा और ये जीत का परचम लहराएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो वार्ड सदस्य के रूप में या अपना जो भी काम किया हुआ है, नल जल का भी पूरे प्रखंड में सबसे नंबर 1 काम किए हुए हैं गोरिया कोठी प्रखंड में। और समय से पानी आना जाना और इनको यहाँ से लेके पटना हर जगह का अनुभव है और जनता के बीच में रहते हैं ये। अच्छा, जनता के बीच में रहते हैं। इससे पहले जो प्रत्याशी थे क्या आपके जो क्षेत्र संघ 34 में काम नहीं किए हैं क्या? काम तो दूर है, हम लोग उनको पहचान भी नहीं रहे हैं कि कौन है, नाम भी नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा जिला परिषद है और दिखते भी नहीं है। अभी तो चुनाव का समय आ चुका है, अभी तो वोट मांगने आते हैं, अभी कोई नहीं आ रहा है हम लोगों के पास में और हम लोग उनको जानते भी नहीं है कि कौन है क्या है। हनीफ भैया को जान रहे हैं, 2 साल से ये जो है पूरे अपने लगन के साथ में घूम रहे हैं और सारे जनता के समर्थन पे जिला परिषद के लिए खड़े हुए हैं, अपने मन से नहीं हुए हैं। चलिए चाचा से थोड़ा बात कर लेते हैं। चाचा आपका तो ज़्यादा तजुर्बा होगा, आप भी नहीं पहचानते हैं क्या जिला पार्षद जो है यहाँ पे वर्तमान में? जिला परिषद को हम पहचानते हैं लेकिन वो कभी कभी आते हैं क्या नाम है उनका? नीरज कुमार। नाम भी नहीं। हाँ, मतलब इतना फील्ड में वो घूमते हैं, इतना लोगों से जुड़े रहते हैं कि उनका नाम तक लोग पंचायत के लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग अपने योग्य जिला परिषद चुन लिए हैं। अच्छा, हम लोग को विश्वास है कि जिला परिषद संख्या 34 में ये अच्छा काम करेंगे, इसलिए हम लोग पूरा जनता इसके समर्थन में है और हम लोग
अपने जोग जिला परिषद चुने। कई जगह जब हम लोग घूमे तो पता चलता है कहीं कहीं जातीय समीकरण लग जाता है, यहाँ पे क्या? नहीं, यहाँ पर जातीय समीकरण नहीं है। यहाँ जाति समीकरण नहीं है, यहाँ पर सब जनता इनके साथ है। जी चलिए, अपना नाम बता दीजिए। राजनाथ यादव। चलिए अभी आइए। अरे आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन हम छोटे हैं, लेकिन ये हनीफ चाचा है जो हमारे गांव में एनी टाइम आते हैं और सब जनता को ये मदद करते हैं जिसके कारण हम आए हैं यहाँ पे समर्थन में आए हैं। जी, तो आप जिला परिषद को पहचानते हैं? जिला परिषद को नहीं पहचानते हैं, वो तो गाँव में कभी आते ही नहीं है। बताइए नाम उनका पता नहीं है, नाम भी पता नहीं है। तो आज हनीफ जी जा रहे हैं नामांकन कराने, अब क्या होने जा रहा है? अल्लाह का हम करम रहेगा तो हनीफ चाचा जी जाएंगे, क्योंकि सब जनता यही चाहती है कि हनीफ चाचा जिला परिषद में बदलाव हो और जिला परिषद के रूप में दिखा जाए। हनीफ भैया की हैसियत है कि ये जात की नहीं पूरी जमात की राजनीति करते हैं और पूरी जमात के साथ में रहते हैं। आप देखिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा हरेक जात इसमें जुटा हुआ है, हर एक वर्ग के लोग इसमें जुटे हुए हैं। ये अकेले हनीफ भैया नहीं है, इनको जो भी है जनता ही इनको चुनी हुई है और जिला परिषद तक पहुंचाएगी और बिल्कुल ही अपने पंचायत में निकल रहे हैं। चलिए और भी थोड़ा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप जिला परिषद को पहचानते हैं? जो आज तक नाम ही नहीं सुने हैं। आप भी नाम नहीं? 2016 से हम वोट दे रहे हैं लेकिन आज तक नाम ही नहीं सुने हैं, आज तक देखे भी नहीं है कि है कौन हम लोग का जिला परिषद। अच्छा, से अभी क्षेत्र में कभी घूमते भी नहीं है। तो आज हनीफ जी नामांकन कराने निकले हुए हैं और काफी समर्थक भी दिख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो जीत निश्चित है। देखिए हम लोग मतलब हम लोग युवा वर्ग पूरा इन लोगों के साथ है, पूरा मतलब हम भी घूम रहे हैं पंचायत पूरा पंचायत मतलब पांचों पंचायत है ना, हम भी मतलब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं जो इनका मतलब वर्चस्व है। 2 साल से आज लगे हुए हैं, देखिए और कोई जिला परिषद में जो खड़ा है ना, एक बार आया गया कोई देखा भी नहीं। इनका जो देख रहे हैं लोग जहाँ भी जाते हैं जिस वर्ग में जाते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी पंचायत में गए उस पंचायत में इनके साथ नहीं भी तो 100 आदमी डेली घूमता है। अच्छा। अगर इनका वर्चस्व तभी तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ इनका पूरा फुल सपोर्ट मिलता है। हम लोग भी जाते हैं इनके साथ में, जहाँ भी जाते हैं पूरा फुल सपोर्ट के साथ हम लोग रह रहे हैं। नाम बता, मेरा नाम राहुल सिंह है, राजपूत। अभी हम मौजूद है गोरिया कोटी में और आपको बता दें क्षेत्र संख्या 34 में पहुँचे हुए थे और हमारे साथ मौजूद थे भावी जिला पार्षद हनीफ जी। और इनका कहना है कि क्षेत्र में लोग यहाँ के लोग तक नहीं जानते, पीछे थोड़ा सा चलिए, लोग तक नहीं जानते हैं कि जो वर्तमान जिला पार्षद थे वो कौन है, लोग पहचानते तक नहीं है उनको। और इस बार लोगों का बदलने का मूड है क्योंकि वो जिला पार्षद जो हैं कभी लोगों से मिलते नहीं है, फील्ड वर्क नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, इस कारण आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी आक्रोशित दिखे हैं। और आज हनीफ जी अपना नामांकन कराने निकले हुए हैं और काफ़ी समर्थकों के साथ निकले हुए हैं, देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी भीड़ दिख रहा होगा। और आज नामांकन का आज शायद पहला दिन है नामांकन का और पहले दिन ही नामांकन कराने निकले हुए हैं। तो ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए ATN लाइव को सब्सक्राइब करें। मैं ATN लाइव के लिए समीर हाशमी, गोरियाकोटी, जिला सिवान।